एक मिनट के लिए तो करना ही करना है आपको, इस हिसाब से अपनी कोशिश रखनी है कि मैं एक मिनट तक के लिए उस एक्सरसाइज के ऊपर रह पाऊँ उसी करेक्ट फॉर्म में। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एक मिनट के लिए तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बट आपकी कोशिश वैसी ही होनी चाहिए कि हाँ मैं ट्राई। गुड मॉर्निंग गाइस, डू कैलिस्थेनिक्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ ही मिनट्स में अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। अब कुछ ही मिनट्स मतलब थोड़े मिनट्स होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज 9 मिनट का एक वर्कआउट डिज़ाइन किया है जिसमें कि दो एक्सरसाइजेस आपको लेग्स के लिए करनी है, यानी कि जिसमें आपकी थाइज, आपके हैमस्ट्रिंग्स, काव्स सब कुछ कवर होगा। दो एक्सरसाइजेस आपको पुशिंग मूवमेंट्स के साथ करनी है जिसमें कि आपके चेस्ट और ट्राइसेप्स कवर होंगे, और दो मूवमेंट हमारे हैं पुलिंग एक्सरसाइजेस के जिसमें कि आपकी बैक और पूरी आर्म्स कवर होंगी, और लास्ट में एक फिनिशर एक्सरसाइज करनी होगी हमें। तो हर एक एक्सरसाइज को आपको एक मिनट के लिए तो करना ही करना है, आपको इस हिसाब से अपनी कोशिश रखनी है कि मैं एक मिनट तक के लिए उस एक्सरसाइज के ऊपर रह पाऊँ उसी करेक्ट फॉर्म में। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एक मिनट के लिए तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बट आपकी कोशिश वैसी ही होनी चाहिए कि हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वर्कआउट को शुरू करते हैं। हमारा पहला मूव है एक्सप्लोजिव लंजेस, जिसको कि आपको एक मिनट तक करना है। और जब आप इसे कर रहे होंगे अपने पिछले पैर पर ध्यान ना दें, ध्यान उस पैर पर दें जिस पे आप लैंड करने वाले हैं। जब आप लैंड करेंगे आपका फुट वो सीधा होना चाहिए ताकि आपकी थाइज और हैमस्ट्रिंग्स पे पूरा सही से स्ट्रेच आ सके। इस मूव को आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड से करना है, पर अगर आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो आप स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं, बट आपको रुकना नहीं है। एक्सप्लोजिव लंजेस के बाद अगला हमारा मूव है ऑल्टरनेट स्टेयर क्लाइंब। जब आप उसे कर लेंगे उसके साथ ही के साथ आपको ये मूव करना है, और एक सीढ़ी छोड़कर आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। इसमें भी आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड को ज़्यादा स्लो होने ना दें, पर अगर आप थक जाएँ तो थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं, पर आपको रुकना नहीं है। इससे पिछले मूव का इफेक्ट भी आपकी लेग्स पर बना रहेगा, और इस वाले मूव को साथ ही के साथ करने से आपकी लेग्स में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, और स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा मसल ग्रो करेगी। हमारा अगला मूव है एल सिट होल्ड। ये मूव हमारी एब्स के लिए है। इसके लिए आपको एक बार पर हैंग करना है और अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है, एक एल बनाना है अपनी बॉडी से। तो जब आप इसे कर रहे होंगे ध्यान रखें कि आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो, नीज में कोई बेंड ना आए, स्ट्रेट रहेंगी तो इससे आपकी लेग्स में भी स्ट्रेंथनिंग होगी और साथ ही के साथ आपकी एब्स की भी डेवलपमेंट होगी। इस मूव को भी आपको एक मिनट तक ही करना है, और कोशिश करें अगर एक मिनट तक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 40 सेकंड्स तक ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि 40 सेकंड्स तक जब आप इसे कर लेंगे तब आपको अपनी एब्स में एक बर्न फील होगा। वो बर्न ये साइन है कि आपकी एब्स डेवलप कर रही है। हमारा अगला मूव है एक्टिव एल सिट्स,
जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली अपनी लेग्स को ऊपर और नीचे लेकर जाना है। और याद रखें, जब आप इसे कर रहे हो, स्विंग ज़्यादा ना करें, अपनी बॉडी की लेग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मतलब जितना कंट्रोल्ड वे में ये मूव किया जाएगा, उतना ही आपकी एब्स अच्छी डेवलप हो। हमारा अगला मूव है पुलअप्स, जिसके अंदर आपको रेप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, टाइम लिमिट के ऊपर ध्यान देना है। 1 मिनट के लिए आपको पुलअप बार पे होल्ड करना है अपने आप को, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप जितने भी पुलअप्स कर सकें अच्छा है, चाहे 5 हो चाहे 6 हो। जितने आप टाइम देकर अपने आप को पुलअप्स करेंगे, इसका मतलब ये बनता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा स्पीड से कोई रेप्स कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर वो ही ज़्यादा रेप्स कर सकता है। जो ज़्यादा देर तक बार पर टिक सकता है, वो आदमी बिल्कुल ज़्यादा रेप्स कर सकता है एक ज़्यादा स्पीड के साथ। पर इसमें आपको टाइम लिमिट के ऊपर ध्यान देना है, इसीलिए 1 मिनट के अंदर आप जितने भी रेप्स कर सकें वो सफिशेंट है। हमारा अगला मूव है सिंगल हैंड पैसिव हैंग्स। इसके अंदर आपको एक ही हाथ से बार को होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। अब आप दोनों हाथों का अपना यूज़ करेंगे, और वो भी 15-15 सेकंड के लिए। पहले 15 सेकंड उस हाथ से करें जो वीक है, फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रांग हैंड यूज़ करें, और फिर दोबारा 15 सेकंड के लिए अपना वीक हैंड यूज़ करें। इससे आपका वीक हैंड जब अब स्ट्रांग होगा, तो आप अपने स्ट्रांग हैंड से तो बिल्कुल उस मूव को कर ही लेंगे। तो इसीलिए जब भी इस मूव को करें, हमेशा अपने वीक हैंड से ही स्टार्ट करें। हमारा अगला मूव है पुशअप्स, जिसको आपको एक स्लो स्पीड के साथ करना है, जिसमें आपको अपना नेगेटिव को कंट्रोल करना है। इस नेगेटिव को कंट्रोल करने से आपको एकदम अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी मसल्स को कैसे यूज़ करना है पुशअप के टाइम। यानी कि आपकी एल्बो आपकी वेस्ट लाइन के पास रहनी चाहिए, उससे दूर नहीं। इस मूव को स्लो करने से आपकी चेस्ट में भी बहुत पावर आएगी, और अगर आप कम रेप्स करेंगे, जैसे 6 रेप्स हो गए या 7 रेप्स हो गए, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो कोशिश करें जितने भी आप पुशअप्स करें 1 मिनट में, नेगेटिव को सुपर सुपर कंट्रोल कर कर करें। हमारा नेक्स्ट मूव है एक्सप्लोजिव पुशअप्स, जिसके अंदर आपको पुशअप्स करते हुए एक्सप्लोड करना है, और आप उतने ही करें जितने आप कर सकते हैं। बाकी के बचे टाइम में आप रेगुलर रेप्स करने की कोशिश करें। ज़रूरी है कि आप 1 मिनट तक ही इस एक्सरसाइज को करें, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। हमारा लास्ट मूव है स्क्वाट होल्ड, जिसको आपको 1 मिनट के लिए ही करना है। एक दीवार के सहारे अपनी पीठ को लगाएं और अपनी स्क्वाट पोजीशन को होल्ड करें, सामने देखें और सांस भी लेते रहें साथ साथ। इससे मूव करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको लगे कि ये मूव आपसे नहीं हो रहा है,
तो आप थोड़ी सी टाइम लिमिट कम कर सकते हैं, जैसे कि 50 सेकंड या 45 सेकंड, बट 45 सेकंड से नीचे तो आपको जाना ही नहीं है। 45 सेकंड तो इस मूव को ज़रूर करें। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और साथ ही के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो पर।